हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे 20 मैच के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए तैयार है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने मात्र 9 ही महीने में पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। टीम इंडिया एक साल में अब सबसे अधिक टी20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले साल ही अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया को हैदराबाद में हराकर भारत ने इस साल टी20 क्रिकेट में अपनी 21वीं जीत दर्ज कर इतिहास रचा। टीम इंडिया अब एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक मैच जीतने वाली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने 2021 में 20 टी20 मैच जीतकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, मगर इस साल 9 महीने में ही रोहित शर्मा की टीम ने यह रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, जहां ग्रुप स्टेज में भारत को 5 मैच खेलने हैं। वहीं अगर टीम फाइनल तक पहुंचती है तो 2 और मैच खेलने के मौके मिलेंगे। वर्ल्ड कप के बाद भारत को न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है। ऐसे में भारत को अभी कम से कम 12 और मैच खेलने हैं। अगर टीम आधे मैच भी जीतती है तो भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। रन मशीन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने तीसरे और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से धूल चटाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 186 रन का स्कोर बनाया, जिसे भारत ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने इस दौरान 63 तो सूर्य कुमार यादव ने 69 रनों की पारी खेली। हालांकि मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से अक्षर पटेल को नवाजा गया, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन खर्च कर 3 बड़े विकेट लिए।